দিল্লিতে ফের আটক রাহুল গান্ধী, এই নিয়ে দুদিনের তিনবার ইস্যু সেই সেনাকর্মীর আত্মহত্যা। সুবেদার রামকিষেণ গেরওয়ালের স্মরণে দিল্লিতে মোমবাতি মিছিল বের করে কংগ্রেস। যন্তর মন্তর থেকে সেই মিছিল শুরুর কথা ছিল। রাহুল গান্ধী যন্তর মন্তরে পৌঁছতেই তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। পুলিশের দাবি, রাহুলের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, রাহুল গান্ধী যাতে মানুষের সঙ্গে কথা না বলতে পারেন তাই এই ব্যবস্থা। पता नहीं भैया हमें गाड़ी में रखा हुआ है, निकलने नहीं दे रहे, ना जाने दे रहे, ना पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, ना पता नहीं क्या बोल रहे। पुलिस कुछ नहीं बता रही, कहाँ ले जा रही, कुछ नहीं बता रही। बीच में आप लोगों को थाने थाने घुमाया जा रहा था। हाँ, मगर यहाँ बैठे हैं, मगर निकलने नहीं दे रहे। पता नहीं, आपको वहाँ से हटाया गया है सुरक्षा कारणों से। मुझे तो कहा गया कि 144 के कारण हटाया जा रहा है, तो देखते हैं कि जो सरकार ने ये इनको अरेस्ट किया है, इनको मारा है, इनको गाली दी है, इनको धमकाने की कोशिश की है, सिर्फ उसके बारे में माफी मांग ले।